हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम टू एसटीए किचन। आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी चिकन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। ये है तंदूरी चिकन के इंग्रेडिएंट्स। मैं यहाँ पे चिकन 6 लेग पीस ले रही हूँ, 1 लेमन जूस, 1 कप कर्ड, 2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 स्पून तंदूरी मसाला, 1 स्पून सॉल्ट, 1/2 स्पून गरम मसाला, 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, रेड कलर। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। दही 1 कप कर्ड, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, ये सारे ड्राई पाउडर्स, इसको डाल के हम कलर फूड कलर डाल के इसको मिक्स करेंगे, अच्छी तरीके से मैरिनेट करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। मैं चिकन लेग्स को डीप कट करके रखी हूँ ताकि ये मसाला अच्छी तरीके से अंदर लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरीके से लग चुका है। अब हम इसको 1/2 आवर के लिए मैरिनेट के लिए रख देंगे। हाफ एन आवर हो चुका है, ये हमारी चिकन अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। अब हम इसको रोस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे नॉनस्टिक पैन यूज़ कर रही हूँ ताकि ये चिकन चिपक ना जाए। अब हम इस चिकन को इसमें डालेंगे। तेल गरम हो चुका है, हमारे चिकन पीसेस जा रहे हैं। अब हम इसको पकने के लिए रखेंगे। जब तक ये अच्छी तरीके से चिकन सॉफ्ट और रोस्ट ना हो जाए हम तब तक इसको पकाएंगे। अब हम इसको फ्लिप करके पकाएंगे। आप देख सकते हैं ये हल्का सा रोस्ट होना स्टार्ट हो चुका है। अब हम दूसरी तरफ से भी अच्छी तरीके से इसको रोस्ट करेंगे। अब हम फिर से दूसरी तरफ से पकाएंगे फ्लिप करके। अब मैं थोड़ा फ्लेम हाई करूंगी ताकि ये थोड़ा रोस्ट फास्ट हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे। हम इसके साइड्स को भी अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे ताकि साइड में चिकन कच्चा ना रहे। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे तरीके से पक रही है हमारी चिकन। यम्मी टेस्टी। ये आप देख सकते हैं हमारी चिकन अच्छी तरीके से रोस्ट हो रही है। अब हम इसको हल्का सा रोस्ट करेंगे क्योंकि ये पक चुकी है अंदर से, अगर इसको ज़्यादा पकाए तो ये जल जाएगी। अब आप देख सकते हैं हमारा चिकन कितनी अच्छी तरीके से रोस्ट हो चुका है। अब हम इसमें एक स्मोकी फ्लेवर देंगे। मैं यहाँ पे एक बीच में कटोरी प्लेस कर रही हूँ ताकि इसमें एक चाकोल रख सकेंगे। मैं चाकोल को पहले से ही गर्म करके यूज़ कर रही हूँ ताकि जब इसमें बटर हम ऐड करेंगे तब उसमें स्मोकी फ्लेवर आएगा। अब मैं गरम कोयला इसमें डाल रही हूँ, इसके ऊपर मैं बटर ऐड करूँगी। अब मैं इसमें मेल्टेड बटर डालूँगी। बटर डालने से आप देख सकते हैं इसमें स्मोक आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको ढक देंगे ताकि ये अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा चिकन में। ये हो चुका है, अब हम इस कटोरी को साइड में रख देंगे और प्लेटिंग कर देंगे। ये देखिए हमारी तंदूरी चिकन कितनी अच्छी तरीके से बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आए लाइक ज़रूर करिएगा।